बेसिकली ये जो वेबिनार है ये एमएस ऑफिस 365 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमएस ऑफिस 365 का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लर्निंग बेनिफिट्स क्या है। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आप लोग जॉब कर रहे हो सकता है आप लोग जॉब स्टार्ट कर चुके हो, सब अलग अलग फेजेस में अलग अलग स्टेजेस में अपनी लाइफ में होंगे, लेकिन हमने इस कोर्स को डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है कि वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, फ्लेक्सिबल है, और जितना आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे, जितना आप इसको डीपली खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा मौका है कि आप अपनी जॉब की तरफ, एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो कंटेंट्स हैं आज के वेबिनार के, वो क्या है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, एज अ ट्रेनर मेरा एक्सपीरियंस क्या है और व्हाई डू आई चूज दिस कोर्स ऑफ एमएस ऑफिस 365। एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और लास्ट में हम ये रिव्यू करेंगे कि इसके जो करिकुलम है और कंटेंट्स क्या क्या हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया मैं मोहम्मद जीशान मोतीवाला, मैं बेसिकली एचआर प्रोफेशनल हूँ। मेरा जो अराउंड 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में मैंने काम किया है, जिसमें टेक्सटाइल, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और टेली कम्युनिकेशन शामिल है। करेंटली मैं पीटीसीएल में एज अ मैनेजर एचआर बीपी टेक्नोलॉजी काम कर रहा हूँ। पीटीसीएल ज्वाइन करने से पहले मैं भेड़िया टाउन में एज अ मैनेजर काम कर रहा था, और जब भेड़िया टाउन इस्टेब्लिश हो रहा था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे थे कराची भेड़िया टाउन के, डेंजू हो गया, भेड़िया हॉस्पिटल, भेड़िया एडवेंचर लैंड, उसकी रिक्रूटमेंट भी मैंने देखी थी, पेरोल भी मैंने देखा था, और जितने भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो मैं देख रहा होता था। इससे पहले मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो यूनुस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड से किया था। अपार्ट फ्रॉम एचआर फील्ड, जो मेरा कोर एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी की साइड पर है। टेक्नोलॉजी की साइड पर आप ऐसे कह सकते हैं कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशंस मैंने करवाए हैं। ईआरपी क्या होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं जो आजकल कंपनीज में चल रहे होते हैं। इसके साथ साथ एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग्स मैंने करवाई है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स करवाई है, जो मैं फर्दर आगे जाके आपको बताऊंगा। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न्ड, मैंने एमबीए किया हुआ एक यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किया था एचआर सीआई से, ठीक है, ऑनलाइन यूएसए की बॉडी है जहाँ से आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाते हो। इसके साथ साथ मैंने सैप के 2 सर्टिफिकेशंस किए हैं, एक ई अकेडमी कंप्लीट की थी एबेकस कंसल्टिंग सर्विसेज से, और एक आईबीएस से मैंने सैप का शॉर्ट कोर्स किया था। एमएस ऑफिस की मैंने बहुत ज़्यादा अपने अर्ली करियर में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ली थी इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा आजकल जैसे पेंडेमिक है और कोविड का सिनेरियो है, तो डिजिटल लर्निंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और मैं अगेन थैंक यू करना चाहूँगा डीजी पाकिस्तान का कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है यूथ के लिए, और डेफिनेटली इसका आगे जाके यूथ को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उन लोगों को जो डेडिकेटली इस कोर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो बात हुई अगर डिजिटल स्किल्स की, डिजिटल ट्रेनिंग्स की, तो हार्वर्ड मैनेजमेंटो से भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, स्किल सॉफ्ट और लिंक्डइन लर्निंग से भी कोर्सेज किए हुए हैं, जिसमें वर्थ मेंशनिंग है, ब्रांडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस एमएस एक्सेल, डेलीगेशन और एचआर के बहुत सारे कोर्सेस। एक्सपीरियंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं पीटीसीएल में करंटली काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बेरिया टाउन, जलबरी, अमन फाउंडेशन, यूनुस टेक्सटाइल्स में काम कर चुका हूँ मैनेजरियल लेवल पर भी, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेरा मेजर फोर्टे रहा है। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, 10 ईयर्स का टाइम कम है मेरे एक्सपीरियंस को जो शो करते हैं, जो मेरा एक्सपोजर है, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एचआर रिलेटेड देखी हैं, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस देखे हैं, और मेरी काफ़ी अचीवमेंट्स रही है, जिसमें मुझे पीटीसीएल में एचआर एक्सेलेंस अवार्ड मिल चुका है, पेंडेमिक में डिजिटल ट्रेनिंग्स पर काम करने के लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, जो अगेन ईआरपी है सैप और ओरेकल की तरह, वो मैंने इम्प्लीमेंट करवाया था। यूनुस टेक्सटाइल में मुझे बेस्ट यंगस्टर का अवार्ड मिला था, और बेरिया टाउन में भी मुझे कुछ अवार्ड्स मिल चुके हैं सर्विसेज के लिए। एज फार एज द ट्रेनिंग्स आर कंसर्न्ड, तो
आप ये कह सकते हैं मेरी हॉबी है ट्रेनिंग देना, सॉफ्ट स्किल्स की हो गई, करियर काउंसलिंग सेशंस हो गए। यूथ का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारा वो यही है कि आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती है। आप लोग वो देख रहे होते हैं जो आप लोगों को नजर आ रहा होता है, डेप्थ नॉलेज नहीं मिल रही होती है। या तो आप लोग अपनी फैमिली को देख रहे होते हो या अपने सोशल सर्कल को देख रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे बिंग एचआर में अगर आपको एक चीज बताऊं, जो सबसे बड़ा गैप है वो पर्सन जॉब फिट का है। हमारे पास जॉब्स बहुत होती है, ऐसी नहीं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, बट उसके लिए हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो उस जॉब पर फिट हैं। और आप लोगों के पास एजुकेशन है, लेकिन समहाउ मेजोरिटी ज्यादातर लोग या तो इंजीनियर बन रहे होंगे, या तो ज्यादातर लोग बीबीए कर रहे होंगे, बीकॉम कर रहे होंगे, या एमबीए कर रहे होंगे। स्पेशलाइज स्किल की तरफ कोई जाता ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं लेता, जिसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई है जॉब और पर्सन की, उसमें बड़ी वेरिएशन मौजूद है। तो इस तरह के करियर काउंसलिंग सेशंस भी मैं कर रहा होता हूँ, और हेल्प डेस्क सेशन भी हम लोग इसमें रखेंगे वेबिनार्स में, ताकि आप लोगों को मैं फर्दर अच्छे कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल और कॉर्पोरेट वर्क की गाइडेंस भी दे सकूँ। साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स की है, जिसमें नेटवर्किंग फॉर जॉब्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और प्लेटफॉर्म्स में मैं एज अ गेस्ट स्पीकर रहा हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी हो गया, सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची में, मेहरान यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं, और डिजिटलाइजेशन पर मैंने लेक्चर्स दिए हैं। क्योंकि अगेन वही बात है कि पैंडेमिक में जितना रोल डिजिटलाइजेशन का बढ़ गया है, उसमें आप लोगों के लिए एक मैंडेटरी स्किल है कि आप डिजिटल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग में स्किलफुल हो जाएं। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था मेरा। पार्ट टू, अब हम लोग अपने कोर्स की तरफ आते हैं, डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है क्या? आप लोगों के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जो एक प्रोडक्टिविटी है माइक्रोसॉफ्ट की, उसको एनहेंस करने के लिए यूज होता है। आप लोग एमएस एक्सेल यूज कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन सर्विस का मतलब है कि आपको उसका लाइसेंस लेना होता है, और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो सारी जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वो इंटीग्रेटेड हो जाती है, क्लाउडली कनेक्टेड हो जाती है, और जो आपकी स्टोरेज है वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा बना रहे हैं किसी कंपनी का, आप हायरार्की बना रहे हैं, आप ऑर्ग चार्ट बना रहे हैं कि ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, आपने बहुत लंबी हायरार्की बना ली और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी आपने डेटा में डाल दी। अब आप चाह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजियो में इसका ऑर्ग चार्ट बनाए। तो ऑफिस और विजियो इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि आप उसी डेटा से विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन ऑर्ग चार्ट बना सकते हैं। यानी सारी जो एप्लीकेशंस है वो आपस में इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मिली हुई है, लेमन लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो। तो ये एमएस ऑफिस 365 सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की मैं बात करूं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। ये एक बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ईमेल्स भी सेंड कर रहे होते हैं। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, अब डिजिटल लर्निंग के लिए यूज हो रहा है, मीटिंग्स के लिए यूज हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग्स के लिए यूज हो रहा है, उसमें आप एक्सेल पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी चला सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका सिक्योरिटी है कि आप अपना हर डॉक्यूमेंट, हर फाइल बहुत सिक्योर वे में मेंटेन रख सकते हैं। मेंटेनेंस इसकी इजी होती है और इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। और आप जितनी भी कंपनीज देखेंगे, मोस्टली कंपनीज में आपको एमएस ऑफिस 365 इम्प्लीमेंटेड मिलेगा। अब इसके कंपटीशन को अगर देखें तो इसका कंपटीशन गूगल एप्स के साथ है। ठीक है, कंपटीशन की बेसिकली स्लाइड है जिसमें आप देख रहे होंगे कि गूगल मेल यूज हो रहा होता है, गूगल ड्राइव यूज हो रहा होता है, डेटा स्टोरेज के लिए वहां पे एमएस ऑफिस में वन ड्राइव यूज हो रहा होता है। और अगर गूगल की तरफ देखें तो डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और स्लाइड्स उसमें अलग मेंटेन होती है, जबकि एमएस ऑफिस की जो एप्लीकेशन है उसमें जो तीन मशहूर एप्लीकेशन है जिनको हम पूरे कोर्स में स्टडी करेंगे, वो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन कौन सी है एमएस ऑफिस 365 की।
सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है एमएस एक्सेल। कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां पे एमएस एक्सेल में काम नहीं हो रहा होगा। चाहे एडवांस सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हो, ईआरपी यूज़ हो रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो टेक्नोलॉजी का, एमएस एक्सेल पे काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से अच्छा ईआरपी या सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप उसकी रिपोर्टिंग, इंटीग्रेशन, इंटरप्रिटेशन एमएस एक्सेल में ही कर रहे होते हैं, जो कि आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपको डेटा को मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसमें डेफिनेटली कैलकुलेशंस भी हो सकती है, किसी किस्म की रिपोर्ट बन सकती है, बेसिकली फाइनेंस रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट बनाई जाती है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रिपोर्ट हो, चेकलिस्ट हो, बिजनेस डेटा हो, आपकी खुद की टू डू लिस्ट हो, टास्क लिस्ट हो, हर चीज आप एक्सेल में कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना डेटा स्टोर एंड मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में आप बेसिकली रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड रिज्यूमे बना रहे होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अगर या तो आपने मैट्रिक किया हुआ है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एमएस वर्ड में कितने सारे ऑप्शंस मौजूद है जिसमें आप एक रिपोर्ट को बहुत फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एमएस वर्ड किस लिए यूज होता है? सिर्फ लेटर या ईमेल के लिए यूज नहीं हो रहा होता है, बल्कि इसमें आप रिज्यूमे, फ्लायर, बैनर्स, ये सारी चीजें भी बना सकते हैं। हम एमएस वर्ड में एक सेशन रखेंगे रिज्यूमे राइटिंग का, जिसमें अपना एचआर का एक्सपीरियंस यूज करते हुए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा के रिज्यूमे के डू एंड डोंट्स क्या है, रिज्यूमे सीवी का डिफरेंस क्या है, एक्सपीरियंस लोगों की रिज्यूमे कैसे बनाई जाती है, इनएक्सपीरियंस लोगों की रिज्यूमे कैसे बनाई जाती है, और उन्हीं चीजों को हम एमएस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि हम उसको फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एरर फ्री डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट बनाने में किस तरह से अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि बहुत इजी पावरफुल ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बेसिकली विजुअल डिस्प्ले के लिए यूज हो रहा होता है। आप इसमें किसी किस्म की भी कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ई लर्निंग, आजकल जितने भी ई लर्निंग के कोर्सेज होते हैं वो भी वीडियो बना बना दी जाती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। इसके अलावा एनिमेटेड प्रोजेक्ट, आप जैसे मेरी प्रेजेंटेशन देखे, वो इटसेल्फ एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। इस कोर्स में हम लोग पावर पॉइंट जब डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लोग ये देख रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन बनाना ऑलरेडी आपको हो सकता है आती हो, बट उसके एडवांस फीचर्स भी देख रहे होंगे कि उसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ऑडियो कैसे डाल सकते हैं, टाइमिंग के क्या ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, बनी बनाई स्लाइडें भी इंटरनेट पर मौजूद हैं जो आपको डिजाइनिंग में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे अच्छे टूल्स, स्मार्ट आर्ट्स, ग्राफिक आर्ट्स मौजूद है कि आप डायरेक्टली अपने कॉन्टेंट उसमें लगाएं, एडिट करें और अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं। तो वो सारी चीजें बेसिकली इस कोर्स का मकसद ही यही है, ना सारी आपको स्किल्स जो रिक्वायर्ड है इन एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए उसको एनहेंस किया जाए, बल्कि टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी जाए कि आप अपना काम शॉर्ट टाइम में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटलुक, बेसिकली हम ईमेल मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं, और जैसे मैं एचआर में हूँ, अब मेरे पास बहुत सारी सीवीज आ रही हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की सीवी आ रही है तो मैं एक रूल अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मुझे चाहिए बंदा एमएस ऑफिस के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो मैं अगर एक रूल लगा दूंगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीवी एक जगह पे इनबॉक्स में आ जाए, फिल्ड हो जाए, तो चाहे मेरे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स की सीवीज आ रही हो लेकिन डेटा एंट्री की सीवी एक जगह पे आती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आउटलुक में सिर्फ ईमेल मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन है जो लोगों को पता नहीं होता। हम उस चीज को भी देख रहे होंगे, कैलेंडर्स कैसे बनाए जाते हैं, मीटिंग कैलेंडर्स कैसे लगाए जाते हैं, पॉपअप्स कैसे होते हैं, फाइल शेयरिंग क्या है, ग्रुप मैनेजमेंट क्या है, ताकि अगर आप अपने करियर के मिड लेवल पर है या बिगनर लेवल पर है तो आपको फर्दर एक एडवांटेज मिले अपने कुलीग्स के साथ। जैसे अगर आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो गई आउटलुक को बहुत अच्छा मैनेज करने की, तो डेफिनेटली आप अपने बॉसेस की नजरों में भी अच्छे बनेंगे और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। नेक्स्ट इज एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस। बेसिकली ये दूसरी एप्लीकेशंस हैं जो एमएस ऑफिस 365 के पैकेज में आती हैं, जिसमें एक माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है
बेसिकली ये नोट्स वगैरह के लिए यूज होता है। इसके अलावा पब्लिशर है जो ज्यादातर बैनर्स फ्लायर्स बनाए जाते हैं। आप होटल का एक मेन्यू कार्ड देखते हैं, ठीक है, आप कोई भी फ्लायर देखते हैं तो वो ज्यादातर पब्लिशर में बनाया जाता है, एडोब में भी बनाया जाता है, लेकिन पब्लिशर इज अ मतलब ये कॉमन पीपल्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम लोग उसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होते हैं एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग के लिए, एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, सारी चीजों को डेटाबेस मेंटेन करने के लिए। शेयर पॉइंट बहुत मशहूर हो गया है और इसमें बेसिकली आपको पता है कि आजकल वर्चुअल और इंटीग्रेशन का जमाना है, कोलेब्रेशन का जमाना है, तो इसमें जो हम डेटा है वो लोकेशन में शेयर कर रहे होते हैं। आप चाहे किसी भी लोकेशन में इंडिविजुअल्स बैठे हुए हो, टीम कोलिग्स बैठे हुए हो, शेयर पॉइंट के थ्रू आप अपना डेटा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। स्काइप हो सकता है आप लोगों ने यूज किया हो, अच्छे खासे लोगों ने यूज किया हो कहीं भी कॉल करने के लिए। ये बेसिकली वॉइस ओवर आईपी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है और ये व्हाट्सएप की तरह आप कह सकते हैं इसको यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मेरी बिल्कुल कोशिश ये होगी कि मैं इसका एक सेशन आप लोगों को करवाऊं, बिकॉज जब से पेंडेमिक आया है पाकिस्तान में लास्ट फेब से, और वर्क फ्रॉम होम का जब कंपनीज ने एक रूटीन बना दिया है, तो उसमें जो हमारी ज्यादातर मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, इवेंट्स हैं, इंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं, बिजनेस प्रपोजल्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ही होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप कह सकते हैं लेमन उस पे के जूम की तरह होता है, लेकिन उसमें भी बहुत एडवांस वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है डेफिनेटली। इसमें आप अपनी स्क्रीन्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आपकी जो प्रेजेंटेशंस है वो रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं, ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, इसको आउटलुक के कैलेंडर के साथ भी इंटीग्रेट और लिंक किया जा सकता है। और पैंडेमिक में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं ऑफिस की बाकी स्किल्स के साथ, तो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है एमएस ऑफिस 365 के। क्या जरूरत है कि आप लोगों ने इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाया, या क्या जरूरत है हमें ये पढ़ने की? अगर हम ये सारे कोर्सेज पढ़ लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? सबसे पहले हम एक्सेल के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और सेकंड इसका जो एडवांटेज है वो कंपिटेटिव एडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों के करियर में अगर आप अपनी जॉब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जॉब हंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हम लोग अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, हम लोग जब सीवीज शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं एचआर पर्सपेक्टिव में, एज अ रिक्रूटर में जब सीवीज देख रहा होता हूँ, लोगों ने लिखा हुआ होता है एमएस ऑफिस एक्सपर्ट और किसी इंस्टीट्यूट से क्या हुआ होता है, जब मैं सिंपल फॉर्मूला पूछता हूँ उनसे, वी लुकअप का फॉर्मूला बता दो, काउंट का फॉर्मूला बता दो, या इनफैक्ट मैं तो कभी कभी ओपन एंडेड ये भी पूछता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला आप एक्सेल में यूज करते हो, सामने पूरा 5,000 10,000 का कोर्स के भी स्टूडेंट आया हुआ होता है, कैंडिडेट आया हुआ होता है, बट वो जवाब नहीं दे पाता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप इंटरव्यू पे जाए तो आप एटलीस्ट इस एरिया को इतना अपना स्ट्रॉन्ग बना ले, इतनी ग्रिप कर ले कि 20% आपका जो सिलेक्शन है वो इसी कैटेगरी में हो जाए, मतलब एक इम्प्रेशन पड़े कि यार इसने अभी अपना करियर भी स्टार्ट नहीं किया है और ये कितना नॉलेजेबल है और उसको शौक है चीजों को इन डेप्थ स्टडी करने का। थर्ड इसका जो एडवांटेज है वर्सेटाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है, और आपकी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, आप इतनी सारी शीट्स उसमें क्रिएट और इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट एक और है, हायर एम्प्लॉयबिलिटी, इसका मतलब करियर एडवांसमेंट है। मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो इकरा यूनिवर्सिटी में, तो बेसिकली एमएस ऑफिस का स्पेशल एक कोर्स होता था जो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, इसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, यूट्यूब पे भी सीखता रहा, तो फायदा यही हुआ कि जो मेरे साथ लोगों ने करियर स्टार्ट किया था तो मेरी काफ़ी क्विक प्रोग्रेस हुई, एडवांसमेंट हो गई, बिकॉज के जो रिपोर्ट्स में बनाता था, जो कैलकुलेशंस में करता था, ना सिर्फ वो कम टाइम में हो जाती थी बल्कि वो एरर फ्री भी होती थी। जब मैं पेरोल देख रहा होता था ऑलमोस्ट 15 करोड़ 16 करोड़ का,
तो जब पेरोल की कैलकुलेशन होती है उसमें आप बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, तो उससे आप अगर स्किलफुल हैं और आपने प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और आपको एप्लीकेशन फॉर्मूला को यूज करने की पता है, तो आपका जो डेटा है वो एक्यूरेसी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, टाइम भी सेफ होता है और वर्क आपका एफिशिएंट हो जाता है। कैलिब्रेशन की मैंने विजियो की एग्जांपल दी थी कि इसकी कैलिब्रेशन दूसरे एप्लीकेशंस के साथ बहुत इजीली हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपना डेटा बनाया है 1000 एंट्रीज का और आपको 1000 लेटर्स बनाने हैं, इंक्रीमेंट लेटर्स बनाना है एम्प्लॉयज के, तो आप वर्ड में जाके हर लेटर अलग अलग नहीं बनाएंगे, जबकि आपके पास अगर डेटा होगा 1000 एंट्रीज का कि हर एम्प्लॉय का इतना इतना इंक्रीमेंट हुआ है, तो मेल मर्ज यूज करते हुए आप वर्ड के साथ इंटीग्रेट करते हुए 1000 लेटर्स विद इन हाफ एन आवर आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एक्यूरेसी और रिकॉर्ड कीपिंग इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली ज्यादातर यूज हो रहा होता है रिपोर्ट के लिए, प्रपोजल्स के लिए, रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए और रिज्यूमे राइटिंग के लिए। आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, एक जो रिक्रूटर है 10 सेकंड से ज्यादा आपके रिज्यूमे पे नहीं लगाता। आपने उसको बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ है, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है और डॉक्यूमेंट बहुत प्रेजेंटेबल है, तो आपका आधा काम सिलेक्शन में यही हो जाता है। तो हम लोग रिज्यूमे राइटिंग भी सीखेंगे, लेकिन साथ साथ हम हेडर फुटर्स को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी देखेंगे कि प्रोफेशनल रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। अगेन, इसके और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी में थीसिस के लिए, और इसके अलावा इजी रीडिंग, इजी राइटिंग, बहुत इजी एप्लीकेशन है यूज करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये बेसिकली विजुअल स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन टूल है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा होता है। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन जो है, वीडियोस, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस वो बनाई जाती है। अच्छा, प्रेजेंटेशन में ये नहीं कि आपने 5 to 6 स्लाइड्स बना ली आपकी प्रेजेंटेशंस बन गई, बल्कि प्रेजेंटेशन में ये है कि आप अपना कंटेंट कैसे डिजाइन करते हो थ्रू द यूज ऑफ स्मार्ट आर्ट्स, ताकि उसको अट्रैक्टिव बनाओ, एनिमेशंस कैसे डाल सकते हो, ट्रांजिशंस कैसे डाल सकते हो और उसको इफेक्टिवली वीडियो में या ऑडियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, ये चीजें भी हम सीख रहे होंगे। इसके अलावा अगेन, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर है, जॉब लेवल पर है, कहीं भी है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना आती है तो आप अपना आइडिया मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हो। आउटलुक, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ईमेल मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा होता, बल्कि आप उसमें कैलेंडर्स, मीटिंग कैलेंडर्स मैनेज कर सकते हो, ठीक है, टास्क अलाइन कर सकते हो, रूल्स अप्लाई करके अपना जो इनबॉक्स मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हो और साथ साथ इसकी इंटीग्रेशन भी सीख सकते हो। और ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में इंशाल्लाह आगे कर रहे होंगे। अब आखिरी जो पार्ट है इस पर्टिकुलर वेबिनार का, वो है करिकुलम ऑफ द कोर्स। बेसिकली मैंने इस कोर्स को 12 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। इसमें क्विजेस, असाइनमेंट्स शामिल नहीं है। आप लोग असाइनमेंट्स मुझे देंगे, जिसपे मैं डीजी पाकिस्तान मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका अच्छा असाइनमेंट होगा पहले तो मैं उनको शॉर्टलिस्ट करूंगा, और डेफिनेटली बहुत चांसेस है कि असाइनमेंट्स में आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं जिनके असाइनमेंट्स में शॉर्टलिस्ट करूंगा मैं उनसे इंटरव्यू भी करूंगा, उनसे कॉन्सेप्ट भी पूछूंगा, फॉर्मूला कितने अप्लाई किए हैं, रिपोर्ट्स कैसी बनाई है, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखूंगा, और फिर मैं कोशिश ये करूंगा कि हम जो सर्टिफाइड करें लोगों को, तो उसमें वो लोग अलग से मेंशन हो जिन्होंने इस कोर्स को बहुत अच्छी डेडिकेशन के साथ किया हो और अच्छे से फॉर्मूला सीख कर उसको अप्लाई करना भी सीख लिया हो। बिकॉज के कोर्स सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कोर्स के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एमएस एक्सेल के हम लोग 6 सेशंस लेंगे, एमएस वर्ड के हम लोग 3 सेशंस करेंगे, पावर पॉइंट के 2 सेशंस होंगे और 1 सेशन होगा एमएस आउटलुक का। और मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो आजकल पेंडेमिक में उसका यूजेज बढ़ गया, तो आप लोगों को उसकी वैल्यू पता हो।
एज फार एज द कॉन्टेंट्स आर कंसर्न्ड, पहला जो था वो मॉड्यूल होगा वो होगा डेटा एंट्री फॉर्मेटिंग, और एक्सेल का बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा कि वो सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑटोफिल कैसे होता है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, सेल एड्रेस स्पेस स्पेशल किस तरह से यूज होता है। तो बिल्कुल हम लोग स्क्रैच से लेके चलेंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिले कि वो एक ही लेवल पर इस कोर्स का स्टार्ट कर सकें। मॉड्यूल 2 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एडवांसमेंट बढ़ती रहेगी। हम लोग मॉड्यूल 2 में दो टाइप के फॉर्मूला देखेंगे, लॉजिकल फॉर्मूला जो कंडीशनल बेस्ड होते हैं और मैथ्स फॉर्मूला जो सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहे होते हैं। अगर आपने ये दो मॉड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको नेक्स्ट 4 मॉड्यूल्स पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज के आपकी ग्रिप इन्हीं मॉड्यूल से बनती है। ये बेसिकली फाउंडेशन मॉड्यूल्स कहलाते हैं। थर्ड होगा लुकअप का। कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, जो मैंने अपने करियर में यूज किया है, वो लुकअप है। वी लुकअप, एच लुकअप, जो रेफरेंस वैल्यूज को लोकेट करने के लिए होता है। और इसके अलावा हम लोग दूसरे फॉर्मूलाज भी देख रहे होंगे, रिप्लेसिंग टैब्स, रिबन नेविगेशन वगैरह के। मॉड्यूल 4 में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला और डेट एंड टाइम फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ मुझे दी हुई है डेटा में, बट मुझे ये चाहिए कि इनकी एज निकल आए। विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन, विद इन अप्लाइंग अ फॉर्मूला, मैं वो सारी एज निकाल सकता हूँ थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज की इन क्विक सेकेंड्स। मॉड्यूल 5 होगा डेटा सॉर्टिंग, मल्टीपल सॉर्टिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और लास्ट मॉड्यूल होगा पिवट टेबल का, जिसमें हम डेटा को समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको फॉर्मेट करना और डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। साथ साथ हम लोग सिनेरियोज भी देख रहे होंगे कि हम इन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, बिकॉज फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट होना अलग बात है और उसको अप्लाई करना और वो डिसीजन लेना कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन और सिनेरियो में अप्लाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज MS Office 365। सिंपली मैं उसको ये कह दूं कि इसको हमने 3 एरियाज में, 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, लेकिन ओवरऑल हम हर मॉड्यूल में एक प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना सीख रहे होंगे। नेक्स्ट इज पावर पॉइंट, जिसमें हमारा जो शॉर्टर ऑब्जेक्टिव होगा 2 मॉड्यूल्स में वो यही होगा कि एक अट्रैक्टिव फॉर्मल और बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, उसके लिए कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है। और इसके अलावा हो सकता है आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बनाई हो, लेकिन कुछ ऐसे हिडन ऑप्शंस होते हैं जो अगर आपको पता हो गए तो डेफिनेटली आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। लास्ट मॉड्यूल हमारा आउटलुक पर होगा और उसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा जो ज्यादा सीखने वाली चीजें कि आउटलुक में ईमेल मैनेजमेंट के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था MS Office 365 के कोर्स का, और होपफुली आप लोगों को आने वाला ये कोर्स इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। नाउ आई रिक्वेस्ट दी मैनेजमेंट ऑफ डीजी पाकिस्तान के सेशन को आगे आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वुड बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग आउटलुक मैनेजमेंट। बिल्कुल, काफी लोग ऐसे होंगे कैंडिडेट्स में से जो हो सकता है कि स्किलफुल हो पावर पॉइंट में, एक्सेल में या वर्ड पे, लेकिन आउटलुक को लोग सिर्फ ईमेल मैनेजमेंट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। तो
तो डेफिनेटली हम लोग उस पे इन डेप्थ पूरा एक मॉड्यूल लगाएंगे कि आउटलुक को एफिशिएंटली मैनेज, क्योंकि आप जिस तरह से ईमेल लिखते हैं, ईमेल एटिकेट्स तो अपनी जगह पर अलग होते हैं, लेकिन साथ साथ उस पे आप अपना मैनेजमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसे, ये बहुत मैटर करती है। और आप कहीं भी काम कर रहे हो, ऑफिस जॉब हो, फील्ड जॉब हो, अगर आपका आउटलुक में ईमेल मैनेजमेंट अच्छी है, आप कोई भी ईमेल स्किप नहीं करते, आपने पॉपअप्स लगाए हुए हैं, आपने अलार्म्स लगाए हुए हैं, आपने नोटिफिकेशंस लगाए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस उधर ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो हाँ, हम उस कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे मॉड्यूल्स लीजिएगा। हो सकता है कि शुरू में ऐसा लगे कि आप लोगों को काफी हद तक चीजें आती हो, ठीक है, लेकिन आप जब पूरे पूरे मॉड्यूल्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40-50%, मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगता था कि मुझे पूरा एक्सेल आ गया है, पूरा पावर पॉइंट आ गया, बट जितना जितना मैं स्टडी करता जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत वास्ट फील्ड है एमएस ऑफिस 365 की, और मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और मुझे अपने कॉर्पोरेट करियर में उतना ही बेनिफिशियल हो रहा है। आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा हम लोग जब हेल्प डेस्क कर रहे होंगे या क्विजेस या असाइनमेंट्स के सेशन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये इंट्रोडक्शन है और आप लोगों ने ऑलरेडी, हो सकता है कि इंट्रोडक्शन की वीडियो भी देखी हुई हो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो। इंशाल्लाह फिर हम लोग फिर से एक वेबिनार करेंगे कुछ लेक्चर्स अपलोड होने के बाद, और हो सकता है कि उन लेक्चर्स के बाद आपकी कुछ क्यूरीज हो जो मैं बहुत अच्छे से उसको काउंटर कर सकूंगा या रिस्पॉन्ड कर सकूंगा। थैंक यू ऑडियंस आप लोगों के टाइम के लिए, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सिंसियरली पढ़ोगे और इंशाल्लाह वो आपके फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।